जब एक बार पहले तो मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। इतनी जबरदस्त भीड़, इतना सिस्टम बांधना था तो भाई इतने तो कति जुलम कर दिया। नमस्कार जी, एक बार दिखाइए, बस सब पूरा था भीड़ शुरू हुई थी, एक बार दिखाइए घुमा गए। और मेरे ख्याल दो देखो भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों को मेरी राम राम। ये जनता का प्यार मोदी जी के प्रति, अमित शाह जी के प्रति, हरियाणा की सरकार के प्रति है। हमारे कैंडिडेट अरविंद जी शर्मा जी के प्रति है। तो ये जो है अभी हम पूरा का पूरा काफिला रैली में जाने वाले हैं। आज होंगे 2-4 हज़ार आपके आदमी? हाँ बिल्कुल, मतलब उम्मीद उम्मीद के। हाँ 50 गाड़ी है, 40-50 40 से ज्यादा तो बस हैं, और लगभग सैकड़ों गाड़ियाँ हैं। अच्छा भाई साहब, आज मतलब अमित शाह जी को ये दिखाना है तेरा नाम रशीद जज्जर में भी कोई है, बेरी में भी कोई है जी, इतनी ताकत के साथ जा रहे हो। बिल्कुल, यही मतलब रहता आपका। जिस दिन बेरी मुख्यमंत्री जी की रैली थी उस दिन भी यही था। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ताकत जो है ना, प्यार है ये लोगों का, और अपनी ओर से हमने पूरी पूरी ताकत लगा रखी है। बिल्कुल जी जी जी, केला का आज की रैली कितनी होगी? बहुत बढ़िया रैली होगी भाई, तैयारियां किसी चल रही हैं? अच्छी तैयारियां। कितनी लीड की सोच रहे हो? लीड अब देखना इस चुनाव में आपने केला का अच्छा चमत्कार होगा, मतलब लोग सरते लगाए बैठे, कई कई लाख की केला का है वो फैल हैं के। चमत्कार होगा जब मैं, हमने ये बता दिया, चमत्कार आप देखियो, रिजल्ट देखना। रामवीर जी, राम राम भाई, राम राम भाई, केला का है आपने, अमित के बारे में क्या कहोगे? हमारा बन जा भाई, हम तो एडी चोटी का गला रहे। हाँ अच्छा, हाँ कत्ती कसर ना छोड़ा भाई, गाँव में तो कम से कम भी 3-7 आदमी आ रहे हैं। कांग्रेस का खुट्टा पाड़ दिया बेरी हल्के दही छोरे ने, इसने तहलका मचा रखा है। बेरी रैली में ये दिखा दिया था हरियाणा की राजनीति में के अमित अहलावत भी कोई चीज है। पहला आपने देखा था छहरा गांव में महिला मातृ शक्ति सम्मान मिला, जिसके अंदर शायद ही देवीलाल से लेकर आज तक की हरियाणा की राजनीति में इतना मातृ शक्ति का इतना बड़ा जन सैलाब पहली बार अमित अहलावत ने छहरा गांव के स्टेडियम में, जिसकी कोई गिनती ही नहीं थी वहां पे। बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता आए थे वो देख के हैरान रह गए कि इतनी बड़ी महिला रैली और उनका मान सम्मान बड़ा तरीके से, बड़ा अच्छे तरीके से, इतना शांति प्रिय वो प्रोग्राम हुआ। कि उस प्रोग्राम के बाद डिगल में अमित अहलावत ने जो किसान का मेरा वर्ग का सम्मान किया, उससे पहले भाई साहब ने गांव-गांव में जा गए, जो हमारी बहन बेटियां पढ़ने वाली लड़कियां दूसरे गांव में जाती थी, पैदल जाती थी, उनको साइकिल डोनेट की, उनके छात्राओं को जो साइकिल देने का काम किया। उससे पहले जब बारिश के टाइम में किसी के खेत में इतना पानी था कि गेहूं नहीं बो सके थे, उनका पानी निकलवा के उनका जमींदारों को खेती करने का मौका दिया। मतलब समाज सेवा में अमित अहलावत एक ऐसा चेहरा है बेरी हल्के से कि जिसने हरियाणा की राजनीति में ये दिखा दिया, बहुत थोड़े टाइम में राजनीति के मायने ही चेंज कर दिए समाज सेवा का। थैंक यू जी। भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया जी, पूरा झंडा ले रहा है। हाँ जी बिल्कुल, लग गए झंडे ने जितना उतरा ठा रहे, इतनी वोट भी है। वोट बतेरी मशीन 30 ठोक दे 25 तारीख ने। अच्छा, इतनी लीड करवा सको जज्जर से? जज्जर की तो कहता नहीं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मार्जिन से अरविंद शर्मा विजयी होंगे। नमस्ते जी, आइए थोड़े से अड़े कैमरे के सामने आ जाओ। नमस्ते भाई, राम राम जी। के पोजीशन लग गए अमित की? भाई मैं तो सगा मामा हूँ, मैं बड़ाई मारूंगा, तू है देख ले, ये 50-60 बस रही, 100 गाड़ी रही, और इतने भाई हूँ आ रहे हैं जो हमने भी नहीं बेरा प्यार प्रेम आ रहे हैं। इस दिले 2 किलोमीटर लंबा काफिला हुआ, अपन पता ला लो, पीछे भी है, इस पुल में भी पार कर करी पुल का मोड़ का भी है भाई साहब। अमित शाह को आज ये देखने का मौका मिलेगा कि भाई झज्जर जिले के अंदर बेरी विधानसभा जो कांग्रेस का गढ़ होता था, जिसमें डॉक्टर रघुवीर कादान अपने आप को बहुत मजबूत नेता और कद्दावर नेता ही मानता है कि मैं बेरी का शेर हूँ, अमित अहलावत एक ऐसा युवा चेहरा है जिसके साथ युवाओं का इतना बड़ा काफिला जुड़ा हुआ है, जो समाज सेवा करके आगे बढ़ रहा है, और समाज सेवा के नाते ही बेरी विधानसभा में अमित अहलावत एक ऐसा
चमत्कार करने वाला है कि आने वाले टाइम में राजनीति के मायने ही चेंज हो जाएंगे। चलो राम राम जी। थैंक यू सर। शेयर करो भाई, वीडियो ना बंद करो भाई वीडियो।